जब हमारे मूंछ वाला शेर गड्ढे में गिर गया, तब उनकी रक्षा के लिए मैंने यही उपाय किया था, वही यहां भी इस्तेमाल करूं? नहीं, वो नहीं चाहिए। हमारा काले आंखों वाला बाघ है ना, बड़ा वीर है, मगर गड्ढे में गिरा तो मेरा ही जरूरत पड़ा। वही इस्तेमाल करूं? छोटा नटखट, चतुर लोमड़ी बड़ा ही वीर है ना? हाँ, सच में। हमारे जंगल के अजगर भाई है ना, वो एक दिन आग में पट गया, बचाने के लिए कोई नहीं आया। अंत में मेरा ही जरूरत पड़ा। अजगर साम है, अजगर साम कोई काम के नहीं। देखते रहूंगी क्या, कुछ तो करो। हाथी भैया डरो मत, हमारे लोमड़ी भैया आया है, आपको बचाने का रास्ता वे जानता है। मुझे डर लगता है, जल्दी से बचाओ ना बच्चों। चिड़िया रानी, कुछ हो गया? अरे बालू भैया आ गए। ऐसे ही? अरे तुम लोग मिट्टी गिरा दो, तुम वो लकड़ी डाल दो। बालू भैया, वो बड़ा लकड़ी भी लाना। हाँ ऐसे ही, जल्दी करो। जल्दी करो, शिकार आने के पहले भैया को किसी भी तरह बाहर निकालना है। अरे अरे बंदर जी गड्ढे में। अरे कहा तारा ध्यान रखना। तुम हाथी के ऊपर ही बैठना, हाथी भैया के साथ तुम भी बाहर आना। रस्सी को पकड़ो, ऊपर आने की कोशिश तो करो। अरे बाप रे, उसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर निकल पाऊंगी। ऐसा मत कहो, जान चाहिए तो फिर से कोशिश करो, शिकार आ जाएंगे तो सब कुछ खत्म होगा। ऐसा मत कहो भैया, हम फिर से कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, नहीं
नहीं हो रहा है। अरे बच्चों, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें भी शिकार पकड़ेंगे। तुम लोग जाओ, मैं यही रहूंगा। यही है मेरा किस्मत। आप बलवान है, आप इस गड्ढे से निकल सकेंगे। अच्छे से खींचो, मिलकर खींचो, अच्छे से खींचो, मिलकर खींचो, अच्छे से खींचो। शुक्रिया मेरे बच्चों। ऐसे लोमड़ी भैया की बुद्धि का फल मिल गया। हाँ सच में बुद्धि का फल मिल गया। ये तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोमड़ी की बुद्धि नहीं, हम सबकी कोशिश के कारण ही हाथी भैया को बाहर निकाल पाया। हे